Hey everyone, मैंने रिटर्न किया था ये वाला ईयरफोन जो कि बोट का है। आप लोगों ने अनबॉक्सिंग देखा ही होगा। लगभग 7-8 मंथ हो चुका है खरीदने के। 7-8 मंथ के बाद ये वाला ईयरफोन खराब हो चुका था, तो मैंने कस्टमर केयर से कॉन्टेक्ट किया, उसकी वेबसाइट में जो रिटर्न का एप्लीकेशन है उसको फिल किया था। उसके बाद बोट की तरफ से मेल आया कि आप इसको रिटर्न कर सकते हैं, वो ये टिकट नंबर और ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है, और कोरियर कंपनी वाले आ रहे हैं इस डैमेज्ड प्रोडक्ट को पिकअप करने के लिए। तो आप इस यूनिट को पैक करके और छोटे से कुछ पैकेट में पैक करके रखिए, हम उनको पिकअप करेंगे। तो मैंने एक पैकेट में एक लिफाफा बनाया और लिफाफे में पैक करके सिर्फ ईयरफोन को पैक करके दे दिया। सिर्फ ईयरफोन, उसका बॉक्स नहीं, उसके अंदर में जो भी एक्सेसरीज मिले किसी चीज़ को नहीं देना था, ऐसा उसे मैं लिखा हुआ था, सिर्फ ईयरफोन को ही देना था। तो मैंने उसको दिया और कुछ दिन में फिर से मेल आया कि आपका रिटर्न प्रोडक्ट जो है पहुँच चुका है और हम लोगों ने टेस्ट भी कर लिया है और हम एक रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट सेंड कर रहे हैं जो कि उनको आज ही रिसीव हो गया है। तो करते हैं इसका अनबॉक्सिंग, देखते हैं कैसा है। तो हमारा पूरा रिप्लेसमेंट आ चुका है, एग्जैक्ट वही चीज। जैसे कि देख सकते हैं ये वाला मेरा पुराना वाला है और ये वाला रिटर्न प्रोडक्ट, इसमें से ईयरफोन गायब है। और देख सकते हैं मेरा पूरा सामान जैसा कि वैसा ही है। दिस अ बर्ड्स, इसके अंदर में पाउच एंड बर्ड्स है ही, और जो भी है स्टिकर, ये वाला पुराना वाला था और ये वाला नया प्रोडक्ट जो कि कमॉन। ये पूरा एग्जैक्टली सब सेम आ चुका है, देख सकते हैं। बर्ड्स बर्ड्स, एक्स्ट्रा पाउच एंड एक्स्ट्रा, एवरीथिंग इज एक्स्ट्रा एक्सेप्ट दिस। एंड क्योंकि ये नया है तो सब सही ही होगा। मैं फिलहाल इसको चेक करने वाला हूँ। ओके, तो इसको टेस्ट करके देख लेता हूँ। कनेक्ट हो गया, उस समय ये कनेक्ट नहीं हो रहा था। सो एवरीथिंग इज फाइन, सब चल रहा है। सो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस विथ बोट रिटर्न पॉलिसी। इसी तरह से आप दूसरे ईयरफोन को भी रिटर्न कर सकते हैं, सभी ईयरफोन का ब्रांडेड ईयरफोन का जो पॉलिसी है ओनली पॉलिसी लगभग लगभग सेम है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप इट वॉज हेल्पफुल।